वैसे केवल उत्तर प्रदेश के ही पूर्व पुलिस महानिदेशक नहीं रहे हैं बल्कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। ऐसे आदरणीय प्रकाश सिंह, यदि प्रकाश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैं एक घटना की चर्चा करना चाहूंगा। उनकी उत्कृष्ट पुलिस सेवा से मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह बच्चे। जब 1991 में मैं यहाँ का शिक्षा मंत्री था उस समय नकल विरोधी कानून उस समय की सरकार के द्वारा और मैं शिक्षा मंत्री थी। मुझे याद है कि पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। सामान्यतः जितने भी सदस्य मंत्रिपरिषद के थे सबकी सोच यह थी कि नकल विरोधी कानून इतना कठोर कानून यदि लागू कर दिया जाए करोड़ के संख्या में लगभग बच्चे पढ़ते हैं और हर बच्चे के परिवार में कम से कम 3-4-5 मतदाता होते हैं तो हमारी पार्टी का तो पूरी उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। और इसके अतिरिक्त भी कई तरह के उसमें विचार आए और 2 बार वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था मंत्रिमंडल में। तो एक बार मैंने विशेष आग्रह किया तब जाकर वो पारित हुआ था। कानून बहुत ही कठोर था, मुझे गालियां भी बहुत बड़ी थी अच्छी तरह याद है। मैं भीतर से डरा हुआ था कि किस हद तक इसमें कामयाबी मिल पाएगी। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा उस समय उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आदरणीय प्रकाश सिंह जी थे। मैं मीराबाई गेस्ट हाउस में रहता था, प्रातः काल वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि मंत्री जी मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूं, नकल जैसी बुराई को रोकने के लिए जो आपने कदम उठाया है उसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की जितनी भी सहयोग की आवश्यकता होगी आप आश्वस्त रहिए पुलिस पूरी तरह से सुन रही है। मेरा हौसला उस समय बढ़ा था और जितने भी हमारे इंस्पेक्टर डायरेक्टर ये सब डरे हुए थे सहमे हुए थे कि हम जाएंगे विद्यालयों में तो वहां पर हमारे ऊपर आक्रमण होंगे, उनके गार्जियंस हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, नकल कराने वाले जो गिरोह हैं वो आक्रमण करेंगे। सहमे हुए थे, मैं भी दुविधा में था कि यह सफल हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका उस समय महानिदेशक के रूप में प्रकाश सिंह जी ने निभाई थी, इसलिए जानबूझकर मैंने उनके नाम की यहां पर चर्चा की। हमारे सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, श्रीमान रितेश जी पांडे, श्रीमान बाल मुकुंद जी पांडे और श्री आसिफ आजमी साहब, श्री प्रखर मालवी, श्री दिलीप जी पांडे और हमारे शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्यगण, अन्य देवियों व सज्जनों। वैसे सामान्यतः जब मैं किसी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाता हूं कभी भी मैं एक्सटेम्पोर नहीं बोलता क्योंकि पहली बात तो यह कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, हर विषय का कोई मैं ज्ञाता नहीं और केवल सामान्य ज्ञान के आधार पर किसी पुस्तक के बारे में बोला नहीं जा सकता मेरा यह मानना है। और मैं यह मानता हूं पुस्तक के साथ न्याय भी नहीं होता है, इसलिए पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं बिल्कुल स्पीच तैयार करके ही आता हूं और वही स्पीच लोगों के सामने में प्रस्तुत करता हूं ताकि उसकी बात न्याय हो। मित्रों, यह बताने में मुझे रंच मात्र भी संकोच नहीं है कि मेरे लिए यह कार्यक्रम सिर्फ एक पुस्तक का विमोचन नहीं, इतिहास की गौरव गाथा, अपनी गरिमामयी संस्कृति
अपनी माटी के बलिदानी वीर पुरुषों के प्रति श्रद्धा जताने का यह एक शाश्वत यज्ञ है। पूर्वांचल की माटी का स्मरण ही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में मर मिटने वाले उन बलिदानियों का यह स्मरण है। काल के कपाल पर जिनकी गौरव गाथा दर्ज नहीं है। कवि प्रदीप ने ठीक ही कहा है, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। अपनी माटी के प्रति आत्मगौरव और स्वाभिमान, यह मनुष्यता की पहली शर्त है और इसे इतिहास में दर्ज कराना अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाना। तो मैं कहना चाहूंगा आसिफ आजमी साहब से, सचमुच उन्होंने अपनी माटी का कर्ज चुकाया। और इतना ही नहीं, और इसे इतिहास में दर्ज कराना अपनी माटी का यहां पर कर्ज चुकाना है। भाई आसिफ आजमी ने इस काम को बहुत ही सलीके के साथ किया है, यह पुस्तक देखने के बाद में विश्वास के साथ कह सकता हूं। और मैं भी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ही आता हूं, वह हमारा जन्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र दोनों रहा है। इस किताब में पूर्वांचल की उसी माटी की सुमधी सुगंध है। अपनी माटी के महत्व को समझने के लिए अथर्ववेद में तो बाकायदा एक भूमि सूक्त है, माता भूमि पुत्रोपहम प्रतिव्या। किसी के भी व्यक्तित्व के निर्माण में उस माटी की महत्वपूर्ण योगदान होता है। जहां वह व्यक्ति जन्मा, पला, बढ़ा और इतिहास के विकास क्रम में अपनी सार्थक भूमिका निभाई। और किसी कवि ने ठीक ही कहा है, माटी में मिलकर मिट्टी की काया मिट जानी है, माटी में मिल गई शान फिर हाथ नहीं आनी है, जो न फर्ज के लिए मरे वह जीवन बस माटी है, जो माटी का कर चुका दे वही जिंदगानी है। मित्रों, हर मनुष्य का अपनी माटी जिसमें वो पलता पड़ता है, उससे गर्भनाल का रिश्ता होता है। देश के हर हिस्से की माटी अपनी तासीर के मुताबिक महामानव गढ़ती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की माटी की तासीर क्रांति धर्मी और स्वतंत्र चेता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्या में संघर्ष करने और जेल जाने वाले सपूत पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। भारत की आजादी से 5 साल पहले बलिया को अंग्रेजी शासन से आजाद कराने वाले चित्तू पांडे को या अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त क्रांति का बिगुल फूंकने वाले मंगल पांडे, दोनों इसी माटी की सुगंध से लैस थे। पूर्वांचल की यह माटी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की झंडा बरदार रही है। देश के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पूर्वांचल के क्रांतिकारियों और बलिदानियों के इतिहास के बिना पूरी तरह से अधूरा है। आशीष आजमी साहब की यह किताब माटी के महायोद्धा पूर्वांचल के उसी योगदान को रेखांकित करती है। उन्होंने पूर्वांचल की माटी की वीरता का दस्तावेजीकरण कर अपनी माटी के प्रति उन्होंने न्याय किया। और यह धरती देश के 16 प्रधानमंत्रियों में से 8 की कर्मभूमि या जन्मभूमि रही है। और हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी इलाके से चुनकर आते हैं और यह वीर सपूतों की धरती है। मैं उसे प्रणाम करता हूं। आप यकीन करें, यहां पर प्रधानमंत्री की चर्चा करने का औचित्य क्या है? औचित्य इसलिए है, जिस समय 2014 में बाबा वाराणसी चुनाव लड़े थे और जब मैं पार्टी का उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष था, दोनों ने कहा कि अध्यक्ष जी, मैं वाराणसी से ही चाहता हूं कि चुनाव लड़े। मैंने जब कारण पूछा, कई कारण बताए, बहुत विस्तार में नहीं आना चाहता, लेकिन भारत को आजाद कराने में क्रांतिकारियों ने जो अपना बलिदान दिया है
उसकी भी चर्चा हमारे प्रधानमंत्री ने की, इसलिए मैं इस समय पुस्तक विमोचन के समय उनके नाम की चर्चा कर रहा हूं। मैं इसलिए वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहता हूं, आजादी और उसके सुरमाओं से इधर साहित्य संस्कृति और संगीत में भी इस धरती का अमूल्य योगदान रहा है। कबीर से लेकर रैदास तक, राहुल सागर ज्ञान से लेकर शिवली नौमानी तक, भारतेंदु हरिश्चंद्र से हजारीपुता द्विवेदी तक, प्रेमचंद से लेकर फिराक गोरखपुरी तक, पंडित कंठे महाराज से लेकर बिस्मिल्ला खान तक, नवसाद से लेकर गिरजा देवी तक, पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर हनुमान प्रसाद पोद्दार तक, किस किस का नाम गिनाऊं, सूची बड़ी लंबी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन कालजयी सपूतों को पूर्वांचल की उर्वर माटी में सिर्फ साहित्य संस्कृति संगीत ने ही अपना झंडा बुलंद नहीं किया है, भारत की संत और ज्ञान परंपरा भी यही से फली और फूली है। देश की आजादी के लिए संघर्ष और बलिदान में भी यह धरती पीछे नहीं रही है। कौन मुकाबला करेगा इन रणबांकुरों का, बेगम हजरत महल, बाबू कुंवर सिंह, अमर शहीद चित्तू पांडे, मंगल पांडे, वीरांगना लक्ष्मीबाई, उदा देवी, गणेश शंकर विद्यार्थी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, चिब्बनलाल सक्सेना, जैसे लोग पूर्वांचल की धरती से जीते। एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, हुसैन अहमद बदनी, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर संपूर्णानंद, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, इंदिरा गांधी जैसे लोगों ने इस मिट्टी का नाम रोशन किया है। जो नाम मैंने लिए इन्हें तो सब जानते हैं, ये सब इस किताब में हैं, पर इस किताब में कोई 150 ऐसे अनाम लोग भी हैं जो इतिहास की बेरुखी का शिकार रहे, यानी अनसंग हीरो जिन्हें हम कहते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री को जिन्होंने 22 दिसंबर 2020 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में कहा था कि आजादी के अमृत महोत्सव में हमें उन वीर सपूतों को खासकर याद रखना चाहिए जो अनाम रह गए, जिनकी बलिदान गाथा इतिहास की पर्दों में कहीं छिप गई है, लेकिन उनका योगदान बहुत बड़ा है। मैं कह सकता हूं कि यह किताब उस दिशा में एक बड़ा कदम है, और इसके लिए मैं आसिफ आजमी साहब को अपनी तरफ से पुनः मैं बधाई देना चाहता हूं। आसिफ आजमी जी साधुवाद के पात्र तो हैं ही, उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 32 जिलों से अनाम स्वतंत्रता सेनानियों को खोजा है, उन्हें झाड़ पूछ कर इतिहास की चमकदार आलमारी में इन्होंने सजाया है, और इस किताब में यह काम दो श्रेणियों में किया गया है। पहली श्रेणी में वे जो राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही जाने जाते थे, और दूसरे में वे हैं जो जिला स्तर पर तो थे पर इतिहास में अनसंग यानी अनाम थे। इन सब का कालखंड 1857 से लेकर 1947 तक का ही है, और इस 90 साल के अंतराल में स्वतंत्रता सेनानियों को खोजना, पहचानना और फिर उनकी भूमिका का दस्तावेजीकरण करना कितना मुश्किल काम रहा होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं, मैं इसे समझ सकता हूं। और इस श्रमसाध्य काम को आसिफ जी ने बहुत ही मनोयोग के साथ किया है, यह बात मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन अनूठा था, एक तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला यह सामाजिक राजनीतिक और एक आर्थिक संघर्ष था, और दूसरे यह सशस्त्र विद्रोह, अहिंसक संघर्ष और सिविल नाफरमानी का एक अद्भुत समन्वय भी था। दुनिया में आप कहीं भी ऐसा विविध आयामी संघर्ष नहीं देख सकते। भारत के स्वाधीनता आंदोलन पर साथियों कई पुस्तकें लिखी गई, पर इस किताब और दूसरी पुस्तकों में अंतर इतना है कि
दूसरी ज्यादातर किताबें घटनाओं, कहानियों और ये प्रसंगों पर आधारित है, और इस किताब में उन घटनाओं और प्रसंगों के पीछे के सूरवीरों और क्रांतिकारियों की तलाश की गई है जो इन बड़ी घटनाओं के बेनामी पात्र थे। और यह किताब इसलिए भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है क्योंकि 1857 से 1947 तक की अधिकांश घटनाक्रम, संघर्षों और घटनाओं का केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका ही रहा है, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्रांति धर्मी धरती के महायोद्धाओं की काव्य यही गाथा कथा कहीं एक जगह संग्रहित अब तक नहीं हुई। यह अन्याय तो हुआ है, हम अपने पुरखों को बलिदानों को अपना आदर्श नहीं बना सके क्योंकि जानकारी का अभाव था। इतिहास कैसे लिखा गया, किन लोगों ने लिखा, क्या गड़बड़ी हुई, ये आप जानते ही हैं, पर मेरा निश्चित मत है यह किताब उस कमी को निश्चित रूप से पूरा करेगी। साथियों, मांडवी के महायोद्धा किताब में कुल 192 नाम हैं, पर वे जो नाम हैं मैं मानता हूं वे अंतिम नहीं है। मुझे बताया गया कि कुल कोई 800 नाम ढूंढे हैं जिन पर काम चल रहा है, और यह 192 पहली कड़ी है। इनमें 27 नाम तो ऐसे हैं जो पहले से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इस किताब की भाषा सहज, सरल और साथ ही बोधगम्य भी है। किताब तथ्यात्मक और प्रमाणित बने, यह मेहनत पूरी किताब में दिखती है। और साथियों, भारत को समझने के लिए इतिहास को सही रूप में समझना जरूरी है, इतिहास को सही नजरिए से देखने और समझने की भी जरूरत है। आजादी से पहले औपनिवेशिक शक्तियों ने हमें वह इतिहास पढ़ाया जो बेहद पक्षपातपूर्ण था, और इसने हमारी सभ्यता की महानता और हमारे लोगों की शौर्य को नजरअंदाज किया है। भारतीयों को हमेशा हारे हुए लोगों के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है बल्कि विजय का इतिहास है, और भारत के इतिहास को गुलामी और पराजय के इतिहास के रूप में लिखा गया। और आजादी के बाद यह सब बदलना चाहिए था, पर दुर्भाग्यवश आजादी के बाद भी भारत के इतिहास को विचारधाराओं से प्रभावित होकर लिखा गया। आप याद दिलाना चाहता हूं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस की जगह सिपाही म्यूटिनी म्यूटनी कहा गया। वीर सावरकर जैसे महान देशभक्त को ब्रिटिश स्टूज कहने तक और भगत सिंह को रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट बोलने तक पक्षपाती इतिहासकारों ने के एक विशेष गुट ने भारत के इतिहास को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, विचारधाराओं की स्याही से लिखा है। पर मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है आज कुछ युवा इतिहासकार उस गलती को सुधारने का काम इस समय कर रहे हैं। इतिहास के तथ्यों न कि विचारधाराओं के आधार, इतिहास को तथ्यों न कि विचारधाराओं के आधार पर लिखा जाना चाहिए। मैं आज की युवा पीढ़ी से एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, इतिहास कोई स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला विषय मात्र ही नहीं है, यह आपके अस्तित्व का हिस्सा है, आपकी साथी विरासत है, और इसे अगर आप नहीं प्रिजर्व और प्रमोट करेंगे तो आपके लिए यह काम कोई और नहीं करेगा। 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनने के बाद से ही हमने अपने ऐतिहासिक विरासत को संजोने का काम किया है। आज जब हम लचित बोरफोकन की शौर्य गाथा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो यह किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं है, यह हमारे गौरवशाली इतिहास का सम्मान है। आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं तो यह सिर्फ शहीद बिरसा मुंडा के प्रति हमारी यह श्रद्धांजलि नहीं है बल्कि आजादी के लिए मर मिटने वाले तमाम गुमनाम आदिवासी शहीदों नायकों के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का यह एक सशक्त माध्यम है।
यह एक पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। कुछ बातें किताबों के संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष यहां रखना चाहूंगा। मैं मानता हूं द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ वन जनरेशन कैन गिव टू अनदर इज अ गुड बुक। और वो किताब अगर इतिहास की हो तो फिर वो गिफ्ट और भी अनमोल हो जाती है। पिछले कुछ समय में एक सामान्य अवधारणा बन गई है कि आज की पीढ़ी ज्ञान नहीं बल्कि केवल सूचना चाहती है। मैं इस अवधारणा से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सूचना और ज्ञान को आप अलग अलग नहीं देख सकते। सूचना आपको दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव विकसित करने में मदद करती है। आज के समय में जब सोशल मीडिया और इंटरनेट सूचना का एक आसान जरिया बन गया है तब यह अवधारणा बना लेना कि आज की पीढ़ी किताबों के ज्ञान को अधिक महत्व नहीं देती है आसान तो है पर यह सही नहीं है। मैं मानता हूं कि आज हम सब आंकड़ों की दुनिया में रहते हैं। हम सूचना के युग में इस समय जी रहे हैं। हमारे पास लगातार जानकारियां आती रहती हैं पर इनमें से बहुत सारी अनावश्यक भी होती है और गलत भी होती है। यहीं पर जानकारी और ज्ञान का फर्क आता है। ज्ञान जानकारियों से यह अलग है। ज्ञान वह है जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुछ फल हो लेते हैं। इनसे इसमें बातों की जगह कम और काम की बातें बातों की जगह कम और काम की अधिक होती है। इसलिए किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता और किताबों का महत्व कभी कोई ताकत कम नहीं कर सकती। आफिस आदमी साहब यह किताब हमें अपनी मिट्टी के प्रति गौरवान्वित करती है। आसिफ आजमी साहब की यह किताब हमें अपनी मिट्टी के प्रति गौरवान्वित करती है। हमें अपने पुरखों के स्वर्णिम इतिहास और विरासत से हमें जोड़ती है। अपनी मिट्टी के प्रति आत्मगौरव और स्वाभिमान को जगाती है। अपनी माटी के प्रति सिर झुकाते हुए अंत में मैं यही कहूंगा यह किताब पूरब की बाटी के उन्नत और बलिदानी लाडकर शब्दों का मंगल तिलक है। एक दफा फिर मैं इस पुस्तक के लेखक आसिफ आजमी जी को हार्दिक बधाई देता हूं और राम बहादुर राय जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क किया और संपर्क करके मुझे कहा क्योंकि हमारे वो वरिष्ठ भी रह चुके हैं उनके साथ मैंने काम किया है उनका सम्मान भी मैं करता हूं कि हमें इस कार्यक्रम में जाना चाहिए और सहज में ही मैंने अपनी सहमति तुरंत दे दी थी और इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको धन्यवाद इस संख्या में यहां आकर अपनी माटी के प्रति जो आपने प्रेम दर्शाया है उसके लिए पुनः एक बार आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आसिफ आजमी साहब को हार्दिक बधाई देते हुए मैं यही पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं।